मेरा नाम कुलराज सिंह है, मैं पिंड कोलियां का वसनीक हाँ। तो साढ़े पिंड पंचायत इलैक्शन हो रहे हैं, तो उस विच दो पार्टियां खड़ी हैं, जिद अश्विनी कुमार जी की मिसिज खड़ी है, उधरों गगन ठाकर की मिसिज खड़ी है। दोनों ही बंदे अपने अपने सूझवान बंदे ने, तो हर कोई अपने पिंड की डिवेलपमेंट की ही गल कर रहा है। तो यह एक बहुत वधिया सोच है। साडा पिंड एक छोटी जी फुलवाड़ी है जिथे हर धर्म हर जात का बंदा रहिंदा है, और इन्होंने पिछले 20-25 साल जो सानू देखदा हो गया, मेरी 40 साल उम्र हो गई है, तो हजे तक यह भाईचारा बड़ा वधिया बनिया होया है। दोनों ही पार्टियां के सूझवान व्यक्तियां ने पिंड दे विच किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं होन दिता, इस करके यह शरागा योग है। तुसीं आसे पासे पिंडां 'च देखिया होगा भी बहुत लड़ाई झगड़े होए ने, बाकी कोई भी सरपंच बने साडी यही उहदे तों उम्मीद है भी उह पिंड नूं अगलियां तरक्कियां ते लै के जाए। जो सरपंच साहब अश्विनी कुमार जी ने पिछले 5 साल का ड्यूरेशन कही है, तो जो उन्होंने विकास कार्य किए, देखो तुसीं पिंड दे साइडां ते देखा होगा भी ब्लॉक्स लगे ने जो एक सफाई नूं अहमियत दिंदा हैगा। इस तों इलावा रस्ते भी कुछ जिहड़े लालगीर तों बाहर रस्ते बने, नवीं आबादी जिहड़ी है वह रस्ते बने ने, उन्होंने पिंड के नाल जिहड़ियां मुढ़ियां सहूलतां पंचायत देंदी है, चाहे वह गलियां दी होवे, चाहे वह नालियां दी होवे, चाहे पानी दी होवे, वह सहूलतां नवीं आबादी नूं दित्ती गई है, जो कि बेसिक पंचायत का एक वखवा हुंदा है। हाँ जी, हुण तुसीं वोट पाउणी है तां किहड़े मुद्दे ते वोट पाओगे अपने सरपंच नूं, दोनों दा तुसीं कीता कंपैरिजन? सर देखो, जिहड़ा वोट है एक आदमी का निजी अधिकार है, तो उसने देखा होंदा भी किस तरह का काम किस सरपंच ने किया है, जां आने वाला बंदा किस तरह का करेगा, वो एक सेंट मतलब कि मैं कहां एक बंदा निजी अधिकार है, वो जिसनों जाता उन्होंने पाँदा है। वो मैं हर पिंड के वासी भी यही कहांगा भी यह तुहाडा निजी अधिकार है, जो तुहानू तुहाडे नाल काम करता जां काम खड़ा है, जां जिन्हां ने तुहाडा सहयोग दिता है, उन्हां नूं तुसीं वोट पाओ तो कामयाब बनाओ। मैं अवताप सिंह बोल रहा, मैं अवताप सिंह बोल रहा। एक सरपंच जिहड़ा ना उहदे मेन प्रॉब्लम जिहड़ी उहदी क्वालिफिकेशन चाहीदी, वह जिहड़ा सरपंच आ हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी तिन्ने भाषा का जाणू होना चाहीदा। सरकार दीआं बहुतीआं चिट्ठियां जिहड़ियां अंग्रेजी 'च आउंदीआं, जिहड़ी जिहड़ा सरपंच उहदा मतलब नहीं कढ सकदा, वो जरा कामयाब नहीं हो सकता। बाकी साडे उम्मीदवार जड़े है हुण दे खड़े आ, ये एम ए पास है और पढ़ी लिखी सूझवान है। तो जब पिछला सरपंच सी इन्हां दे हसबैंड जड़े आ उहनूं जदों असीं मर्जी फड़ लो जिथे मर्जी लै जाओ, उन्हें चाह भी नहीं पीनी साडे कोलों, तो नाल तुर पड़ा उस वेले। हाँ जी, मतलब है होर असी की कहना, कोई इन्नी है नहीं, बाकी विकास पिंड का ठीक हैगा, नालियां गलियां बनिया पई है, जिहड़ी कमी कुमी है गां आने वाली ग्रांट मिल जाएगी तो वो पूरा हो जाएगा। ज्यादातर माँ प्यो कहते बच्चों ने कुछ खेलने वास्ते ग्राउंड बनाई है, बने जी झूले लाए है, वो ग्राउंड झूले लाए है, सारे बच्चे जाते शाम को, पर गर्मियों में नहीं, सियाल तो न्याणे जाते ही है, साढ़े अपने पोतियां जाए कि चलो उ चल झूले चलो चला के लियाओ, तो बस ठीक ठाक है। डिस्पेंसरी पिंड बड़ी बढ़िया, ये न एक नंबर के उ जा रहे हैं इस वेल सारे पिंड की डिस्पेंसरी जी है। मैं अपने लिए यही कहना चाहता भी आने वाले जोड़े लोगों ये होना चाहिए भी बंदा उ चुनो जोड़ा थोड़े नाल पक्षपात कोई जात बरादरी कोई धर्म वह जरा ना वो ये ना कहे भी मैं फलानी जात का मैं फलानी का कम नहीं करना, उस बंद ने वोट पाओ। असं ये कहना चाहते भी जो कर रहे बिल्कुल ठीक कर रहे, पिछले साल तो कोई कहता 20 साल तो कोई कहता भी 15 साल तो यानी असं ये देखा भी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा, जिते भी जाते सब कुछ ठीक ठाक हर कते नाल सहमत होकर तुरंत जिदा लोगों को कोर्ट कचहरी कम पाया जाते हर वेले हर घड़ी एक पैसा नहीं लेंदे किसी को, अपना खर्चा आप करते। हाँ बिल्कुल, असं ये कहना चाहते भी जे ये पहला भी यही सी तो हूँ भी यही चाहिए, अगे बाकी जनता की मर्जी। बलवीर सिंह पिंड कोलियां, इस सरपंच ने पहले भी 5 साल किया, काफ़ी कम हो चार पास जिधर मर्जी चल पे देख लो हर पास
चंगा काम किया पिंड च चाहने देखो जी पिंड जो भी गली नाली हैगी सब का निकास किया बनाईया पिंड कोई गली हाल कच्ची नहीं सब इन किया ऐसा ही मुड़के काम चाहने बहुत वधिया कीता मुताबिक कहिंदा अगो भी वधिया मुंडा करेगा वधिया ही सेध लै के कहिंदे भी इन्नी देर हो गई है काम करदे नूं कोई नहीं है इत्थे आपत्ति ही काम कर रहे बहुत वधिया अहीं दे नाल संयोग दवांगे पूरा भाई मेरा नाम जगदीप सलारिया कोलिया पिंड भाई मेरा किमें देखते हो नवे सरपंच की चोण हो रही है तुसी अपने सरपंच दे विच किहड़े गुण देखोगे कि वो तुहाडे लई काम कराएगा भाई सरपंच विच गुण इदां दे होने चाहिए कि जिदा मतलब कि यूथ है जी यूथ नूं ना तो गलियां का मतलब है ना कोई नालियां का मतलब है जी यूथ नूं चाहिए ग्राउंड का समान जिम जां ग्राउंड मतलब कि वधिया ग्राउंड होवे साडी क्योंकि साडे लागे छागे पिंड जांदे आपां वधिया ग्राउंडां बणियां पईआं आ तो आप ये चाहते हैं कि इस बार जो मर्जी सरपंच बने साडा पिंड का तो यूथ में एक ग्राउंड स्टेडियम के रूप में मिलनी चाहिए है पुराने सरपंच देखिए उन्होंने वाले कामों को कितने देखते हो भाई ठीक अपने तौर पर उन्होंने भी ठीक काम किए जो भी अतक मुंडिया ने मंगया आ वो मिलिया मुंडिया जितों तक कि मतलब कि जो भी टूर्नामेंट कराया हो जो भी किया साथ दिता सरपंच ने कोई गल नहीं दी पर आप चाहते कि अगे वास्ते जो सरपंच को कमियां रह गई वो भावना जोड़े मर्जी साढ़े सरपंच बने सूँ कमियां पूरी करनिया चाहिए है यूथ हाँ जी हाँ जी सब तो बड़ी समस्या ग्राउंड की है भाई हाँ ग्राउंड चाहिए पिंड बड़ा हाँ जी मैं अश्विनी कुमार पिंड कोलियां का वसनीक है इस बार साढ़े लेडी सीट है उस सरपंची की चोन वास्ते मेरी धर्म पत्नी अंजू वाला वो खड़े हुए ने मैं इस तो पहला सरपंच सी सर जो तुम सरपंच रहे तो किड़े जगह अपने पिंड के काम कराए मैं अपने कार्यकाल समय दौरान पिंड का काफ़ी काम विकास करवाया जिमें कि ऐसी सराय है कब्रस्तान का रस्ता आया पिंड के चार सफेरे साडा प्रोजेक्ट चलता पाया बर्मा से टाइल लगा रहे हैं और ग्राउंड का भी साडा काम लिखा हुआ प्ले ग्राउंड का जिस दे विच 20% काम हो चुका है इंटरलॉक लग चुकी है लग आ गई है उस दे समय अनुसार सरकार ने साडियां पहला ही 9 महीने पहला पंचायतां भंग कर दित्ती है तो इस करके सानू थोड़ी विघन आ रहा है हूँ इस बार असी पिंड दे बहुत ज़्यादा काम करवावे जिदा कि साडा पहला काम यह है कि जिदा साढ़े ईसाई भाईचारे वास्ते कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल उन्होंने करावे प्ले ग्राउंड अधूरी है उसनों बनावे वाकिंग एरिया प्ले ग्राउंड दे विच और ओपन जिम बनावे जिदा कोई बच्चों का पहला प्रोजेक्ट चलिया होया है झूलियां का और इसनों ही अगे मोटिफाई करांगे बच्चों लिए छोटे बच्चों लिए ग्राउंड दे विच झूले लगाए हुए ने वो शाम नूं आण के खेडदे अपने माता पिता नाल और उस दे समय अनुसार असी वड्डे बच्चों लिए डे एंड नाइट वालीबाल एंड बैडमिंटन ग्राउंड बनाई है उत्थे लाइटां लगाईआं बच्चे खेडदे आ इस दे नाल जिम रूम भी तैयार किया सुबह और शाम को बच्चे कसरत करते हैं जो इन्हों का नशियां वाल और मोबाइल वाल ज़्यादा ध्यान ना जा सके पिंड वासियों मैं अपील करता कि मैं तुसी इस बार भी पिंड की सेवा करने का मौका दो ता जो मैं जो भी काम है वह बद तो बद करवावगा जिमें कि कोई भी एनी वे काम है सारे ही करवावगे जात पात तो धर्म तो वक् उठ के सारे काम करवाऊँगा